स्वागत है आप सबका गाइस फिर से एक बार मेरे चैनल पे। और आज हम वापस आए हुए टीवीएस वाले शोरूम में, और आज हमारे पीछे खड़ी है ये अपाचे की सबसे ज्यादा बिकने वाली मॉडल जो कि 2V है। हमारे पास सारे कलर्स हैं, मैं सबको पास से दिखाऊंगा। ये दोनों हमने अलग इसलिए करके रखा हुआ है, ये सिंगल डिस्क है, ये डुअल डिस्क है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,09,000 है सिंगल डिस्क की, और जो डुअल डिस्क है उसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,11,000 है। जहां पे मैं अभी खड़ा हूं यहां पे इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ेगी आपको 1,33,000 और उसकी 1,37,000, तो 3-4 हजार का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये यहां की मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूं, आप जहां रहते हो आप वहां शोरूम में पता कर लेना, क्योंकि हर जगह 1-2 हजार का ऊपर नीचे होता रहता है। अब मेन बात करते हैं कि भाई बहुत लोगों को नहीं पता कि ये 2V और 4V में फर्क क्या होता है। V का सबसे पहले फुल फॉर्म मैं बता दूं, वेल्व कहते हैं, जिसे 2 वेल्व इंजन 4 वेल्व इंजन। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं सीधा सा। मान लो एक बहुत बड़ा सा हॉल है, ठीक है, उसमें 2 दरवाजे हैं, तो अगर 100 लोग को डेली अंदर बाहर करना है तो अगर सिर्फ 2 ही दरवाजा है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड जैसा होगा, समझ रहे हो बात को। और अगर वहीं अगर हम 4 दरवाजे लगा देते हैं तो जो मूवमेंट होगा, जो अंदर बाहर जो मतलब इंटरेक्शन होगा, वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो बस यही अंतर है दोनों में, इसमें 2 वेल्व है और जो 4V आ रही है आजकल वो थोड़ी महंगी है इससे, तो इन दोनों इंजन में सिर्फ वही फर्क है, बाकी दोनों ही 160cc है। तो बस आज इसी के बारे में हम सारी बात करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। सबसे पहले हम आ जाते हैं लुक्स पे, तो आगे से ये जो बाइक है कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो LED स्ट्रिप्स दिए हुए हैं, ये जो लैंप है हेडलैम्प है वो हैलोजन मिलता है, और जो बैकलाइट है वो भी मैं दिखाऊंगा, टेल लैंप है वो भी LED देखने को मिलता है। सेम चीज आप ब्लू कलर में भी देख लो, कुछ इस तरह का लुक आएगा। मैं दोनों ही कलर आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। इसके अलावा वैसे तो इस मॉडल में 6 कलर आते हैं, पर हमारे पास अभी 2 कलर ही अवेलेबल है। तो उसके अलावा अब हम इधर आ जाते हैं, तो बॉडी जो है इसकी ये पूरी फाइबर है, ठीक है, ये चीज भी फाइबर है, ये ध्यान में रखना। नीचे की तरफ देखें तो हमें 90x90 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है फ्रंट, और 110x90 का देखने को मिलता है रेयर टायर। यहां बात करें, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। ये जो हमारा मॉडल है ये डिस्क है, और वो जो है डुअल डिस्क है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे टर्न लाइट देखने को मिलता है, ये LED नहीं है, पर आप अपने हिसाब से अपग्रेड करा सकते हो इन फ्यूचर। फटाफट से एक नजर मार लेते हैं इसके कंसोल पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ये जो है आपका RPM का मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइम, यहाँ पे फ्यूल, और यहाँ पे कितने किलोमीटर ये चल चुकी है वो सब। और यहाँ पे आपको ये रिजर्व वाला, पहले ये नहीं आता था, ये रिजर्व का भी आपको यहाँ पे फ्यूल जैसा दिख रहा होगा, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि आपका बाइक, आपकी बाइक रिजर्व में गई है या नहीं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पास का देखने को मिलता है, और पास के अलावा यहाँ पे आप डीपर और वो देखने को मिल जाता है आपको हेडलाइट के लिए। टर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, टर्न भी मैं चला के थोड़ा दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्न जो है, अब इसके अलावा इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो ब्रेक का फ्यूल है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप इसे अपने पावर को कट कर सकते हो स्विच चाबी के ऑन रहते हुए भी। और ये रहा सेल्फ, तो सेल्फ में एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूं अभी स्टार्ट करके फटाफट से। देखिए तो यहाँ पे हमें TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे नया ग्राफिक्स देखने को मिलता है, ये कार्बन फिनिश टाइप का दिया हुआ है, ये फाइबर है, ये चीज मेटल है जो मेन है, ये 12 लीटर का फ्यूल टैंक हमें देखने को मिलता है, और ये जो फेयरिंग डिजाइन है ये फाइबर की है। नीचे बात करें अगर यहाँ पे हॉर्न है, यहाँ पे लेग गार्ड दिया गया आपको, यहाँ पे 160cc की 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूल्ड नहीं है। और वहीं हमें जो अगर पावर की बात करें तो मैक्स PS हमें 15.5 का देखने को मिलता है, और मैक्सिमम टॉर्क हमें 13.9 Nm का देखने को मिलता है। इधर आ जाए हमें 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है। उसके अलावा इधर देखो तो आप यहाँ पे कार्बन फिनिश टाइप की डिजाइन दी गई है, ये भी फाइबर है, यहाँ पे अपाचे की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। पीछे हमें सस्पेंशन देखने को मिलता है, ये मोनो ट्यूब है, ये मोनो शॉक नहीं है, जो कि 4V में देखने को मिलता है। उसके अलावा टायर का साइज मैंने आपको बता दिया है, 110x90 सेक्शन का पीछे वाला भी टायर है इसका। उसके अलावा ऊपर अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये चीज भी पूरी फाइबर की है, ये हैंड ग्रिल जो है ये बहुत ही सही जगह पे दिया गया है, प्लेस जो पिलियन है उसको बैठने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल होगा। यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है RTR 160 की। सीट की बात करें तो जो कुशनिंग है इस पे वो बहुत ज्यादा सही है, और ये स्प्लिट सीट नहीं है, तो अगर आप इस पे, जैसा कि इंडिया में आप जानते हो, अगर ट्रिपल लोडिंग भी करना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, पर जो स्प्लिट सीट होती है उसकी वजह से आप 2 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाते हो, तो शायद इसमें वो चीज ना हो। उसके अलावा बात करें यहाँ पे जो फुटरेस्ट है वो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, इसको आप फोल्ड भी कर सकते हो। और ये जो चीज़ है गियर वगैरह का बता दिया मैंने, यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे कट ऑफ वाला भी सिस्टम मिलता है। अगर आपका स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी जो गाड़ी है वो नहीं स्टार्ट होगी, तो
तो आपको पहले स्टैंड हटाना पड़ेगा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। उसके अलावा अगर इसमें हम नीचे पीछे की तरफ बात करें, यहाँ पे डुअल डिस्क वाला ये नहीं है, तो मैं डुअल डिस्क वाला भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे डुअल डिस्क वाला कुछ ऐसा दिखता है। पीछे से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो टेल लैंप है वो भी एलईडी देखने को मिलता है। ये जो एक छोटा सा ऐसा सा डिजाइन दिया गया है, ये भी कार्बन फिनिश में है, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। उसके अलावा हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है, सेम पीछे का सेक्शन वही है सब कुछ। एग्जॉस्ट नोट मैंने आपको सुना दिया है और ये सस्पेंशन वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे थोड़ी सी फेयरिंग की डिजाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे टीवीएस रेसिंग का वो बना हुआ है, ये ब्लू कलर में आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए दोनों कलर कैसे दिखते हैं। और अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दोनों साइड सेम है। अगर कलर की मैं बात करूं, आपको 6 कलर ऑप्शन में ये देखने को बाइक आती है, पियर व्हाइट, मेट ब्लू, ग्लॉस रेड, ब्लैक, ग्रे और मैट रेड। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ पियर व्हाइट है और मैट ब्लू है। इसके अलावा 4 और कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप जाके नेट पे देख लेना या फिर अपने आसपास वाले शोरूम में देख लेना। मुझे नहीं लगता ये बाइक आपको चला के दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यार ये 4 2V है, तो काफी पुराना मॉडल है, आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा। एक दो चीज जो मैं और बता दूं, वैसे तो अगर कुछ रह गया होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एक दो चीज मैं इस बाइक के बारे में और बता देता हूँ। माइलेज जो है इसकी 45 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है, पर मुझे लगता है कि ये आपको कितना भी कम हो तो 40 वगैरह, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे एनएच पे मतलब हाईवे पे चला रहे हो या सिटी राइडिंग कर रहे हो, तो आप मान के चलो कि 40 का आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा, 40 किलोमीटर पर लीटर का। और अगर आप अच्छे से इसे राइड करते हो इकोनॉमी पे, तो आपको 45 तक का भी माइलेज ये दे देगी बिल्कुल आसानी से। और लगभग मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया, प्राइस मैंने बता दिया। अगर प्राइस आपको फिर से एक बार आप सुन लो कि प्राइस जो है इसकी एक शोरूम है वो 1,09,000 रुपए है सिंगल डिस्क की, और जो डुअल डिस्क है उसकी जो प्राइस है वो 1,12,000 रुपए एक शोरूम है। यहाँ पे अभी मैं जहाँ बिहार में खड़ा हूँ यहाँ पे इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,33,000 है सिंगल डिस्क की और 1,37,000 है डुअल डिस्क की। तो आप जिस शहर में भी हो वहाँ आसपास आप जाके शोरूम में पता कर लेना वहाँ की प्राइसिंग क्या है, क्योंकि हर जगह की जो प्राइसिंग है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो 2,000-3,000 रुपये का ऊपर नीचे आपको अंतर मोस्टली ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं। तो बस, और आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अगर फिर से मैं कह रहा हूँ कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, आप एक बार ज़रूर पूछ लेना मेरे से कमेंट बॉक्स में। और जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाना।